हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस साप्ताहिक करेंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि पिछले सप्ताह के क्या कुछ ऐसे करेंट अफेयर्स रहे हैं जो समझने चाहिए और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही उनमें से किसी एक टॉपिक पे हम एक डिटेल एनालिसिस भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो करेंट अफेयर्स क्या है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी सैन्य सहायता पे अब पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान हर वो एक गतिविधि कर रहा है जो अमेरिका नहीं चाहता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा दावा किया है कि 2050 तक विश्व भर से चॉकलेट के विलुप्त होने की संभावना है और इसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज और बढ़ता तापमान है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपये सीरीज का एक नया नोट जारी किया है। ये नए नोट का कलर चॉकलेटी ब्राउन है और ये महात्मा गांधी सीरीज का एक नया नोट होगा। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही अब जो भी दान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा वो कैश में नहीं, वो एक बॉन्ड के तहत यानी एक सिक्योरिटी के तहत ही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, यानी कि इसे रिलीज किया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस सप्ताह का जो हमारा एक डिस्कशन टॉपिक होगा वो इसी के ऊपर होगा कि ये रिपोर्ट क्या है और इसको लेके भारत का जो एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर इसके क्या लाभ होंगे और क्या इसके उपयोग हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं, समझते हैं। ये जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, जिसे हम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कहते हैं, इसमें मुख्यतः 3-4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। वो क्या है? पहला तो ये है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन अनुपात क्या है। उसके बाद जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इसके ऊपर हम कैसा कर रहे हैं। तीसरा, जो पूरे भारतवर्ष में जो कॉलेज की डेंसिटी है वो कितना है और हमारे यहाँ भारत में फॉरेन से कितने लोग आते हैं। अगर हमने इन 3-4 चीजों को समझ लिया तो ये सर्वे को आप समझ लेंगे। तो हम ये तो समझते हैं कि ये 4 चीजों पे हम समझेंगे कि ये पूरा सर्वे होता क्या। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये सर्वे स्टार्ट कब से हुई, इसकी शुरुआत कब हुई है। इसकी शुरुआत हुई है 2011 से, यानी कि इस साल जो 2016-17 का है ये 8वां एक सर्वे है। तो भारत सरकार के अनुसार 2010 में जो टोटल इनरोलमेंट थी वो थी 29.7, जो कि बढ़ के अभी 2016-17 में ये 35.5 हो गई है। अब देखते हैं GER, तो ये 19 से बढ़ के ये 25 हो गई है। भारत सरकार ने कहा है कि 2022 तक 30% तक इसके बढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं GPI क्या है, यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये 0.8 थी जो कि बढ़ के 0.9 हुई। इस पे बहुत ही बड़ा हमने एक इम्प्रूवमेंट किया है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, ये मेल टू फीमेल का एक रेशियो जो गवर्नमेंट आपको बताती है। अब समझते हैं कि कॉलेज डेंसिटी क्या है। कॉलेज डेंसिटी है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी स्टेट में, वहाँ के टोटल कितने इनरोलमेंट है, कितने स्टूडेंट हैं और उसको लेके कितने ज़्यादा वहाँ पे कॉलेज हैं। और इस डेंसिटी में जो स्टेट सबसे टॉप पे है वो है तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक और फिर पुदुचेरी। उसी तरह भारत सरकार ने यह भी कहा कि कौन से 3 स्टेट हैं जहां पे सबसे कम है। तो उसमें बताया है कि बिहार में सबसे कम है, झारखंड और फिर जाके वेस्ट बंगाल। तो ये तो हमारा हो गया कि कॉलेज डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे कितना एनरोल होते हैं। देखिए, हमने इसमें तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, जहाँ की स्कोप बहुत बड़ा है, जहाँ हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है। सरकार को इसके ऊपर तो ध्यान देना होगा। और इसमें, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हालांकि हम बढ़ रहे हैं लेकिन हमें और भी ज़्यादा अच्छा करना है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पूरे भारत में एक गुरुजन पोर्टल करके एक नया वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा, जिस पे पूरे इंडिया में कितने प्रोफेसर हैं और वो कितने स्किल्ड हैं, किस लैंग्वेज से हैं, इसका पूरा एक डेटाबेस लिया जाएगा। तो यानी कि आगे वाले समय में कि हम कितने एजुकेटेड अपने आप को देखते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे गुरु लोग कैसे हैं। तो इसको लेके एक गुरुजन पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट jagranjosh.com/current affairs पे जाके प्रतिदिन नए नए करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें।